महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात देश ने चौमुखी विकास की ओर कदम बढ़ाए तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जटिल समस्याओं के निदान का प्रयास भी किया। भारतीय गणतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार सुलभ हुए, समानता के अवसर प्राप्त हुए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध हुई। जहां अभिव्यक्ति की बात आती है, वहां भारत की भाषा समस्या स्वयं ही सामने आ जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं से है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, परंतु भारत की अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। इसके पीछे संविधान निर्माताओं के मन में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ साथ ऐसी भावना भी विद्यमान रही है, जिससे उन्होंने पारस्परिक आदान प्रदान, संपर्क और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इन भाषाओं के महत्व को समझा। सभी भारतीय भाषाएँ जन गण मन से जुड़ी हुई हैं और इनका संबंध मूलतः हमारी संस्कृति से है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये भाषाएं अनेक धर्मों, संप्रदायों, विश्वासों और भाषाओं वाले इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। अतः जहां हिंदी को जन जन की अभिव्यक्ति के लिए संपर्क भाषा के रूप में समुचित गौरव प्रदान किया जाना है, वहीं सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और पोषण की दिशा में भी आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ निर्देश में भी है कि जहाँ शब्दावली की कठिनाई सामने आएगी, वहाँ मूल रूप से संस्कृत से तथा उसके बाद भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएं। इस प्रकार हिंदी को एक ऐसी सरिता का स्वरूप देने का प्रयास किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शब्दावली, शैली, मुहावरे आदि उसकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का पोषण करेंगे और भाषा की यह निर्मल धारा निरंतर प्रवाह के नए आयाम प्राप्त कर सकेगी। भारतीय गणतंत्र में विद्यमान भाषा समस्या के समाधान के लिए नई सोच की आवश्यकता है। यह नई सोच एक नई भाषाई संस्कृति को जन्म देगी और हिंदी सहित भारत की सभी भाषाएं भारतीय संविधान के गौरव के अनुकूल विकसित हो सकेंगी। हमारे विचारक तथा देशभक्त स्वतंत्रता से पहले भी भारत की भावात्मक एकता के पोषण के तथा संपर्क भाषा की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। महोदय, इस बहुभाषा देश में भाषाई समन्वय और भाषा साम्य की नितांत आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रारंभ में संविधान में 15 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है, किंतु यहाँ अनेक उपभाषाएं, बोलियां और उसकी उपबोलियां भी विद्यमान हैं, जिनके साथ जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जुड़ गई हैं। अनेक लोगों के लिए ये उनकी उपभाषाएं तथा बोलियां उनकी मातृभाषाएं ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय भाषाओं का पारस्परिक आदान प्रदान भारतीय गणतंत्र को भाषा के स्तर पर एक मजबूत आधार देने के लिए आवश्यक है। इसके लिए जन मन को आगे आना आवश्यक है। हमें भाषा की दीवारें तोड़नी हैं, प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना है, सभी भारतीय भाषाओं में समन्वय, तालमेल और सौहार्द स्थापित करना है। या ठीक है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठावान रहें, परंतु एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र की सभी भाषाओं का आदर करना और उनमें परस्पर स्नेह और सद्भाव की भावना जगाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हमें विरोध करना है तो अंग्रेजी की झूठी प्रतिष्ठा का विरोध करें। प्रतंत्रता के दुष्परिणाम के स्वरूप अंग्रेजी हमारे मन और मस्तिष्क पर छा गई है, उसका बहिष्कार करें और सभी भारतीय भाषाओं के लिए मन में संकल्प करें। स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की गरिमा के अनुकूल राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तथा विधि मंत्रालय के राजभाषा आयोग ने अपने अपने क्षेत्र की शब्दावली निश्चित करने का कार्य किया। द्विभाषी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली के संकलन बने। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने तथा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित हिंदी अनुभागों ने हिंदी के विचार और प्रसार तथा शब्दावली के निर्माण का कार्य किया। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले साहित्य के हिंदी अनुवाद का काम भी तेजी के साथ किया गया, परंतु शब्दकोश बन जाना, संकलन तैयार कर लिया जाना या अंग्रेजी की सामग्री का हिंदी में रूपांतर हो जाना ही माध्यम परिवर्तन के लिए
पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। शब्दकोशों या शब्द संकलनों में गढ़े गए अधिकांश शब्द वहीं बंद रह गए और प्रयोग में नहीं आ सके। अनुवाद के कारण भाषा ने बोझिल और कृत्रिम रूप ले लिया।